क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पार्ट 4 यानी प्रोमोशन अपने शॉपिफाई एसईओ सीरीज को लेके। तो अभी तक हमने 3 पार्ट्स के अंदर कवर किया है कि कैसे करके आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, स्टोर बना सकते हो और साथ में आप अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के आप कंटेंट इनिशियली डाल सकते हो। इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोमोशन को लेके। प्रोमोशन के अंदर कई छोटे छोटे स्टेप्स है जो आपको लेने पड़ेंगे और एक एक करके मैं रिकमेंड करूंगा आप फॉलो करो, क्योंकि हमारा पूरा मोटिव इस स्टेप के साथ है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स जो हैं, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैफिक है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रेजेंट है और जिनको गूगल ऑलरेडी काफी प्रेफर करता है रैंकिंग्स में डालने के लिए, तो उन साइट्स के ऊपर हम अपने प्रोफाइल्स बनाएंगे और हम कंटेंट डालेंगे जो लिंक करेगा अपने प्रोडक्ट पेज को और अपने वेबसाइट को। इस स्टेप को करने के काफी फायदे हैं, क्योंकि आपका एक तो देखो डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोफाइल्स बनाने वाले हो, तो गूगल की नजरों में आपकी वेबसाइट जो आपका स्टोर है, जो कि इन सारे के सारे सोशल नेटवर्क से एक ही स्टोर के ऊपर जिनका लिंक जा रहा है, गूगल की नजरों में थोड़ा सा वो बेटर हो जाएगा, गूगल को लगेगा कि हाँ एक एक्चुअल प्रॉपर बिजनेस है। और दूसरा जो बेनिफिट होगा, जो बैकलिंक्स डालते हो और जो अपने सोशल प्रोफाइल जो लिंक करेंगे आपको, तो उन बैकलिंक्स का भी एक एसईओ बेनिफिट होता है। उनका डायरेक्ट एसईओ बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि गूगल को भी पता है कि ऐसे तो अगर कोई 100 नेटवर्क्स के ऊपर अपने वेबसाइट को डाल दे तो फिर उसका बहुत ही ज्यादा एसईओ में ऊपर आने लग जाएगा। तो बट फिर भी थोड़ा बहुत फायदा होता है इनिशियल ट्रैक्शन के लिए ना, जिससे आपकी वेबसाइट गूगल की नजरों में आए और गूगल को लगे हाँ ये प्रॉपर बिजनेस है। सबसे मेन फायदा इस स्टेप का ये है। तो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कौन से सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आप अपने वेबसाइट का प्रोफाइल बनाने वाले हो। तो क्या क्या सोशल नेटवर्क्स है वो? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर, रेडिट, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और मीडियम। तो ये जो 8 सोशल नेटवर्क्स मैंने आपको बताया, इन सब के ऊपर आपको एक एक करके जाके अपने स्टोर का एक प्रोफाइल बनाना है। अब जैसे आपके स्टोर का नाम है मान लो क्यूट मंकी, तो आप क्यूट मंकी का एक फेसबुक पेज बनाओगे, उसी का एक मीडियम अकाउंट, टम्बलर अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, रेडिट, इंस्टाग्राम, तो ये सारे के सारे आप अकाउंट्स बनाओगे। और क्या करने वाले हो आप, अकाउंट सिर्फ आपने क्रिएट कर लिया, उसका जो यूजर नेम होने वाला है वो क्यूट मंकी या क्यूट मंकी ऑफिशियल, क्यूट मंकी डॉट कॉम, तो डिफरेंट डिफरेंट क्यूट मंकी आना चाहिए उसके यूजर नेम के अंदर। और साथ में जब आपने वो सारे प्रोफाइल्स बना लिए, आपको बेसिक प्रोफाइल को सेटअप करना है। यानी जैसे फेसबुक का जब आप पेज बनाते हो, तो आप फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर, एक कवर फोटो डालते हो, अबाउट अस में कुछ डिस्क्रिप्शन डालते हो, अपने वेबसाइट का लिंक डालते हो, शॉप नाउ का बटन एक्टिवेट करते हो, तो ये सारी चीजें करते हो। जब आप इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाते हो, तो अगेन आप प्रोफाइल पिक्चर अपना डालते हो, आप इंस्टाग्राम का जो अबाउट बायो वाला सेक्शन है उसको भरते हो, और बायो के सबसे नीचे एक अपना लिंक भी डालोगे जो आपके वेबसाइट के ऊपर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करना होता है, क्योंकि जब आप अपने सोशल प्रोफाइल बनाओगे, अगर वो एक मान लो आपने सिर्फ रजिस्टर करके उसको छोड़ दिया, तो गूगल को भी लगेगा कि जो बिजनेस है वो इस सोशल प्रोफाइल को लेकर सीरियस भी नहीं है। एटलीस्ट आपको अपना प्रोफाइल जो है उसका अबाउट, उसका सब कुछ वो ढंग से सेटअप करना है, उसके इमेजेस, लोगो सब अच्छे होने चाहिए, और वही लोगो यूज करना है जो आपके स्टोर का भी लोगो है, ठीक है? तो उससे काफी सिंक रहेगा, गूगल को भी लगेगा हाँ ये सेम इमेजेस यूज हो रहे हैं, तो ये एक ही स्टोर का पार्ट है। उसके बाद सिर्फ प्रोफाइल बनाना काफी नहीं है, आप इनिशियली 2-4 पोस्ट करो। जैसे मान लो आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया, तो आप 2-4 पोस्ट अपने प्रोडक्ट्स के ही पेज, मैं ये नहीं कह रहा जो आपने मान लो प्रोडक्ट चूज किया है जिसको लेके आप एसईओ करने वाले, सिर्फ उसका नहीं, आप 3-4 कोई भी अपने प्रोडक्ट के पेजेस को शेयर करो, कुछ कुछ वीडियो, कुछ इमेजेस शेयर करो। जैसे मान लो आपने जो प्रोडक्ट अपनी चूज किया कीवर्ड, वो गोल्फ का कोई इक्विपमेंट है, तो आप गोल्फ की इक्विपमेंट का एक आध फोटो टाइप कर कुछ डाल सकते हो, कोई मोटिवेशनल कोड गोल्फर्स का, या कुछ एक चीज वैसा इमेज डाल सकते हो, या कोई वीडियो डाल सकते हो, कोई कॉम्पिलेशन डाल सकते हो, फ्री गोल्फिंग टिप्स या ट्रिक्स का कॉम्पिलेशन एक वीडियो, वो इंस्टाग्राम के एक वीडियो में आ जाएगा। तो ऐसे कर करके जो आप कॉन्टेंट डालोगे वो उस प्लेटफॉर्म का नेटिव तरीके से होना चाहिए। अब जैसे रेडिट में आप ज्यादातर जिफ्स चलते हैं, या फिर आप वेबसाइट का लिंक डालते हो लेकिन कुछ एक कैच फ्रेज जैसा रहता है, जो उसका टाइटल रहता है, तो आप उस प्लेटफॉर्म का जो नेटिव है वैसे टाइप का बनाओगे। टम्बलर जैसे मोस्टली जिफ्स और इमेजेस शेयर होते हैं टम्बलर पोस्ट के अंदर, तो आप वही करोगे, टम्बलर पोस्ट जब आप डालोगे वैसे करके करोगे। पिंटरेस्ट के अंदर मेजॉरिटी आप देखोगे इमेजेस हैं, वो भी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, आप 2-4 बोर्ड्स बना सकते हो उसके अंदर, हर एक के अंदर कुछ कुछ इमेजेस, दूसरे कुछ कुछ लोगों ने जो आपके नीश के रिलेटेड लोगों ने शेयर किया है, तो वो वाली चीजें आप शेयर कर लो उन बोर्ड्स के अंदर। तो ये कर करके आप जब अपने प्रोफाइल को, कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल पे जाएगा, गूगल भी जब आपके प्रोफाइल पे जाएगा, तो उसको दिखेगा कि हाँ कुछ ना कुछ कंटेंट है, एक एक्टिव पेज है। बस ये लगना जरूरी है कि जब आपने प्रोफाइल बनाया ऐसे खाली सा पड़ा नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोस्ट्स हैं। अब तीसरा स्टेप है अगेन आपको नेटिव कंटेंट बनाने, लेकिन अब आप बनाओगे अपने प्रोडक्ट को लेकर। अभी तक आप जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जब आपने आपके स्टोर के ऊपर जो आपका जनरल, मान लो जनरल स्टोर है, तो डिफरेंट
डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट अपने कंटेंट इमेजेस वीडियोस या कुछ लिंक शेयर किए, अब आप क्या करने वाले हो, जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट आपने चूज किया अपने एसईओ के लिए, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप इमेजेस और वीडियोस पोस्ट करोगे, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप क्रिएटिव्स पोस्ट करोगे, अगेन उस नेटिव रेजोल्यूशन में। जैसे आप फेसबुक के अंदर कर रहे हो तो आप वर्टिकल वीडियो भी डाल सकते हो, स्क्वायर वीडियो, इंस्टाग्राम के अंदर भी वर्टिकल या स्क्वायर वीडियो डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, बट उसी रेजोल्यूशन में जो उनको प्रेफर्ड होता है वैसे टाइप की चीजों में आप डालोगे। और क्या क्या टाइप के इमेजेस और वीडियोस डालोगे, देखो एक आध आप इमेज प्रोडक्ट का डाल सकते हो, एक आध उस प्रोडक्ट के यूज का डाल सकते हो, एक आध कोई इंफोग्राफिक सा डाल सकते हो कि कैसे उस प्रोडक्ट के साथ बंदे को बेनिफिट मिल सकता है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, कॉम्पिलेशन वीडियोस बना सकते हो, मान लो चार पांच इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने या फिर नॉर्मल इंस्टाग्राम के यूजर्स ने कुछ उस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है, ठीक है, तो आप उनके क्लिप्स उठा लोगे, उन इंस्टाग्राम यूजर्स का नाम भी वैसे करके लिख लोगे, आप रीपोस्ट कर सकते हो दूसरों का कॉन्टेंट। तो आप ऐसे कर करके क्या कर रहे हो, आप अपने पेज के ऊपर अपना जो आप मेन प्रोडक्ट अपने चूज किया है उसके रिलेटेड आप कंटेंट डालना शुरू कर रहे हो, और गूगल को दिखने लग जाएगा कि अच्छा आपका जो पेज, आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो मान लो वो इंस्टाग्राम वाला है, वो काफ़ी एक्टिव है उस टाइप के प्रोडक्ट के लिए, और आपका जो लिंक जो होने वाला है ना इंस्टाग्राम बायो में, वो भी जाने वाला है उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर कुछ दिनों के बाद। इनिशियली आप मेन वेबसाइट पर लिंक करोगे सबको, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपके पेज को गूगल इंडेक्स कर लेगा, मतलब हफ्ते दो हफ्ते का टाइम दे दो, उसके बाद आप अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जो मेन लिंक जाएगा बायो का, वो सीधा उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट पेज पे सारे के सारे आपके सोशल प्रोफाइल्स लिंक करेंगे, क्योंकि रीसेंट जो सारा कंटेंट आप डालोगे, इमेजेस, वीडियोस, पोस्ट, कुछ भी, वो आप उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डालने वाले हो। एक और एग्जांपल देता हूं नेटिव कंटेंट का क्या मतलब है। अब जैसे medium.com पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, उस पे आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो मीडियम पे, तो वहां पर आप 3-4 पोस्ट करोगे जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं 20 बेस्ट वेज टू यूज दिस, ये बहुत टाइप के कंटेंट होते हैं, तो वैसे टाइप का कंटेंट बना के ब्लॉग पोस्ट बनाओगे, जो एक हर एक ब्लॉग पोस्ट से एक लिंक जाएगा आपके उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो बस आप मेन वेबसाइट पे इनिशियली अपने लिंक के, फिर बाद में सारे लिंक शिफ्ट हो गए आपके उस मेन प्रोडक्ट पेज के ऊपर, क्योंकि हमें वही चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे सारे सोशल प्रोफाइल जो हो गूगल को बताए कि देखो ये वाला प्रोडक्ट पेज है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम चाहते हैं कि आप रैंकिंग में लेके आओ, ठीक है। तो गूगल को हमने इशारा दे दिया और गूगल भी उसी को फॉलो करेगा, गूगल को भी लगेगा कि अच्छा इस वेबसाइट के लिए, इस बिजनेस के लिए ये वाला प्रोडक्ट पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रैंकिंग्स में दिखाने के ज्यादा कोशिश करते हैं। अभी तक आपके सोशल प्रोफाइल्स बन चुके हैं, आपके कुछ कुछ पोस्टिंग शुरू हो गया, आप 8 टाइप के एक्टिव सोशल प्रोफाइल चला रहे हो जो गूगल को काफी अच्छे सिग्नल्स दे रहे हैं। अब फाइनली आप क्या करने वाले हो, आप उस नीश के अंदर जो आपके उस प्रोडक्ट का नीश है, उसके जो उस सोशल नेटवर्क के ऊपर लोग हैं या ग्रुप्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो सेलिब्रिटीज हैं, लोग, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के लोग ग्रुप्स भी होते हैं, कई बार इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कई बार नॉर्मल लोग ही होते हैं जिनके प्रोफाइल्स हैं, कई बार जैसे फेसबुक के पेजेस होते हैं, कई बार रैंडम नीश रिलेटेड पेजेस भी होते हैं। तो आप बेसिकली जाओगे और ढूंढोगे वैसे टाइप के प्रोफाइल्स उस नेटवर्क के ऊपर जो इस नीश को के रिलेटेड है, भाई आप जब पोस्ट करोगे तो टैग कर सकते हो या फिर उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उनको बोलो कि देखो मैंने ये पोस्ट किया, अगर आपको अच्छा लगे आप अपने यूजर्स के साथ भी शेयर कर देना। तो आप बेसिकली प्राइवेट मैसेज के साथ एक अपने उस कम्युनिटी के अंदर अपना एक वॉइस बना रहे हो, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस नीश के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट लोग आपसे हाय हेलो की कुछ बातें होने लग जाएंगी, कुछ ना कुछ अगर कोई शेयर कर दे तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि गूगल को लगेगा कि अच्छा एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मान लो किसके 5000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, उसने आपका रीपोस्ट किया है, उसने आपको टैग किया किसी और चीज़ में, तो उससे एक और अच्छा सिग्नल मिल जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो एक्चुअली वैल्यूएबल है, वो एक्चुअली एक अच्छा बिजनेस है। तो ये देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि आप एक एक करके लोगों को मैसेज करोगे, सबसे पहले तो ढूंढोगे, लिस्ट बनाओगे लोगों की, फिर उसका देखे करके उनका मैसेज करोगे, उनके साथ एक कनेक्शन बनाओगे, और फिर उसके बाद उनको बोलोगे कि शेयर करना है। ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते ना, हे आई फाउंड योर पेज एंड प्लीज शेयर माय लिंक, ऐसे करके ना बोलना, पहले कनेक्शन बनाओ लोगों के साथ, एक रेपर्टोर जैसे कहते हैं वो आपको बनाना है, उसके बाद आप लोगों को पूछोगे कि शेयर करना। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, आप दूसरों का कॉन्टेंट शेयर करोगे तो आप उनकी नजरों में आ जाओगे, फिर आप बोल सकते हैं आई शेयर्ड योर कंटेंट, इट वाज ऑसम, माय फॉलोअर्स और माय व्यूअर्स लव्ड इट, वुड यू टेक अ लुक एट माय कंटेंट आल्सो, तो ऐसे करके आप बोल सकते हो, जिससे दूसरे लोग जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या बाकी जो पेजेस या ग्रुप्स हैं वो आपको भी थोड़ा ध्यान देने लग जाए। ये काफी बैक एंड फोर्थ होता है, जैसे मैं तुम्हारे पीठ को खुजलाऊंगा तुम भी मेरे पीठ को खुजलाओ, वैसे टाइप की चीज होती है। लेकिन जब आप ये करते रहोगे, टाइम देते रहोगे, और फिर आपका भी नेटवर्क बनता रहेगा उस नीश के अंदर, और आपके भी कंटेंट ज्यादा लोग शेयर करने लग जाएंगे एक टाइम के बाद, और उससे क्या होगा, आप जैसे एक एक सोशल नेटवर्क के ऊपर, मान लो आप इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे पोस्ट करने लग जाते, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा कौन से पोस्ट या कौन से हैशटैग्स आपके बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप वैसे टाइप का कंटेंट और डालने लग जाओगे। तो ये काफी कुछ प्रैक्टिस रिलेटेड है। अब कोई भी चीज ऐसे एसईओ को लेकर या फिर ये सोशल मीडिया प्रमोशन जो है, ये
काफ़ी कुछ होता है अबाउट प्रैक्टिस, आप कितना टाइम देते हो इस चीज़ को, कितना आप कोशिश करते हो, डेटा को देखते हो एक एक पोस्ट करने के बाद कि कितने लोग हैं। इनिशियली देखो कोई भी आपके पोस्ट को देखेगा नहीं, कोई भी फॉलोअर्स नहीं होंगे, बट एक एक करके बनता रहता है। और इन हर एक सोशल नेटवर्क के ऊपर बढ़ने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब जैसे मान लो आपको सीखना है कैसे टम्बलर पर एक बड़ा अकाउंट क्रिएट करना, यूट्यूब करो कि हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल टम्बलर अकाउंट, तो फिर आपको कई कई लोग बता देंगे सजेशंस भी। और क्योंकि मैं एक एक करके 8 सोशल नेटवर्क्स के डिटेल में अभी नहीं जा सकता, तो ये मैं आपको रिसर्च करने के ऊपर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, एक आईडिया आपको दे दिया कि ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये जब सारी चीजें कंबाइन होती है ना, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, वो आपके एसईओ में भी काफी जल्दी दिखने लग जाता है। काफी जल्दी तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ टाइम के बाद दिखने लग जाता है। और वो एक बार शुरू हो गया उसका पावर आना, उसके बाद तो देखो फ्री पैसा है फिर, क्योंकि गूगल आपके रैंकिंग्स में लाएगा, लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे और खरीदने लग जाएंगे। इंटरेस्टिंग लगा ये वीडियो तो नीचे लाइक दबाओ और कमेंट में बताओ कि आप अभी तक सोशल मीडिया अपने प्रमोशंस कर रहे हो कि नहीं। आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं मोर कॉन्टेंट को लेकर, जो कि अगेन एक बहुत पावरफुल तरीके अपने एसईओ में लाने के लिए। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।